Hi, I'm Archana Puran Singh, and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. मैंने देखा आज के टाइम में ना आदमी के पास चार पांच डिग्रियां ना हो ना उसकी इंपोर्टेंस नहीं होती. फॉर एग्जांपल बीए एमए एमबीए सब एमबीए. लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था. 60s के टाइम पे मैंने सुना कि जो आदमी 10वीं फर्स्ट क्लास में पास कर लेता था मैट्रिक है ना उसकी सरकारी नौकरी लग जाती थी. इज्जत बड़ी होती थी उसकी. और जो आदमी 10वीं में फेल भी हो जाता था वो भी ये नहीं बोलता था कि मैं 9वीं फेल हूं, बोलता मैं आई एम मैट्रिक फेल. क्योंकि 9वीं फेल बोलने में ना वो मजा नहीं है. इससे अच्छा 10वीं फेल बोलो ताकि वो विजुलाइज जो आदमी करता ना एक साल और गया था आया गया आया गया लास्ट में जाके फेल हुआ. अच्छा बताने में देखो कैसे बता रहे हैं, जैसे वर्ल्ड कप के फिनाले में बाहर हुआ हूं मैं कि खेले तो हम भी अच्छा. अच्छा जब लड़का 10वीं पास कर लेता था उस समय तो बाप पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट देता था. कई तो रिश्ते लेके आना शुरू कर देते थे. और जिस बाप ने बच्चे से प्रॉमिस किया होता था ना कि तू पास हो जा तेरे को घड़ी दिलवाऊंगा, बच्चा पास हो गया अब वो घड़ी लड़की के बाप से दिलवा देता था, सगाई कर देता था. ये सब होता था. अच्छा 10वीं तो कर ली आंटी आप गवाह हो इस बात के है ना. उसके बाद बीए जो होती थी वो बीवी के साथ ही करता था. और फिर इधर लड़के की एमए हो रही थी, लड़की की एम डबल ए मां बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता था. आप ये देखो कहने का मतलब ये जो आदमी उस समय 10वीं पास कर लेता था उसकी जवानी का एक दिन भी वेस्ट नहीं होता था. ये सच्चाई है. कच्ची मूछों से शुरू होता था और सफेद मूछें डाई करते करते 12 लोगों का परिवार बना लेते थे वो लोग. ये माहौल था उस समय. ये हमारे दास दादा ना जो फोटोग्राफर है उस समय 10वीं पास को प्रायोरिटी दी जाती थी ना जिसकी शादी होनी है. इनसे 8वीं पास नहीं हो रही थी. ये 6 साल लग रहे और 7वें साल जाके अपने पिताजी को कहते बात सुनो ठीक है मेरे से 8वीं नहीं हो रही, शारीरिक रूप से मैं 10वीं कर चुका हूं. घर वाले बोलते बेटा दुनिया की नजर में तो तू 8वीं पास है ना. कहता मेरे को घोड़ी में बिठाओ चाहे घोड़ी छोटी ले आओ, 2 क्लास कम है ना. उस जमाने में सीरियसली 10वीं इतनी बड़ी मानी जाती थी ना, कई लोग तो अपनी नेम प्लेट के साथ लिखवाते भी थे भंवरलाल मैट्रिक पास. रियली? हाँ. उसके बाद टाइम बदल गया, लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेना शुरू हो गए, फिर ऐसे लिखवाने लग गए अर्चना जी 11वीं पास. सॉरी एमए डबल एमए बीए. बीए किया आपने? ऑनर्स. दो ही शब्द वो भी उल्टे. अच्छा जिनका एग्जाम ठीक नहीं होता था ना वो हिसाब लगाते ना हिंदी में तो पास हो जाऊंगा, इंग्लिश में सप्लीमेंट्री दे दूंगा और हिस्ट्री तो जो आगे वाले के आएंगे उतने मेरे आएंगे, मैंने सेम सेम लिखा है. बाकी रह गया मैथ. फिर वो भगवान को प्रार्थना कर रहा है भगवान मैथ में पास करा दे, आधा किलो लड्डू चढ़ाऊंगा. और ये जब लोग लड्डू लेने जाते हैं ना मिठाई वाले भी पहचान लेते हैं कितने लड्डू ले रहा लड़का. 1 किलो. अच्छा 2 सब्जेक्ट. हाँ ठीक है उनको पता था. अच्छा 10वीं का रिजल्ट खराब आ जाए ना तो बड़ी बेइज्जती होती थी क्योंकि सारे मोहल्ले की नजरें रहती थी किसका बच्चा 10वीं पढ़ रहा है. अच्छा जिसका बच्चा तो अच्छे मार्क्स लेके आया माँ बाप उसको घुमाने ना पानीपुरी ले जाते, चलो बेटा खा के आते हैं. फिर दूसरा आपके कितने नंबर आए? हमारे तो 85 आए यार. और जिस बच्चे का काम खराब हो जाता 10वीं में उसके माँ बाप भी घुमाने लेके जाते थे, लेकिन वो एडवांस में ही घुमाने ले जाते थे रिजल्ट से पहले. उनको पता था क्या करतूत करके आया, पहले ले जाते थे. वो अलग बात है जब बच्चा वापस आता था दोनों गाल थोड़े सूझे रहते थे, पहाड़ी इलाके में ले जाके पीटते थे ये किया तूने सारा साल. ये हमारा आकाश नहीं है तबले में बैठा है, इसके पिताजी ने प्रॉमिस किया कि अगर तू 10वीं पास हो गया तो तेरे को मोटरसाइकिल दिलाएंगे और अगर फेल हो गया तो ऑटो. ये बाप से भिड़ गया, कहता आप भी पढ़ाई में ठीक ठाक ही रहे होंगे, फिर पास हो गया तो 50,000 की बाइक, फेल हो गया तो 3 लाख का ऑटो. पर जो उम्मीदें थी उस पर खरा उतरा, फेल हुआ ये. फिर इसको 3 लाख का इसने ऑटो लिया, वो बेच के 50,000 की बाइक ली. जब 2 लाख खर्च हो गया ना इसका, फिर उसको लगा कि अब नहीं पैसा कुछ बचा, फिर इसने 50,000 के तबले लिए. ये दिनेश तो मेरा दोस्त बचपन से ही बदतमीज था. टीचर ने कहा थर्स्टी क्रो की स्टोरी सुनाओ, कहता आपको आती है? कहते हाँ आती है. तो कहता फिर मेरे से क्यों सुन रहे हो? फिर टीचर गुस्से में आ गई, कह तू खरगोश और कछुए वाली सुना. कहता आपको आती है? कहती नहीं आती. अब सुना, कहते जब आपको नहीं आती तो मेरे तो बाप को भी नहीं आती. अच्छा कितने इत्तफाक की बात है कि आज मैं यहाँ 10वीं की बात कर रहा हूँ और हमारे यहाँ जो फिल्म आई है
जो स्टार कास्ट आई वो भी दसवीं की. देखिए आप, मानना पड़ेगा चैनल वाले बड़े स्मार्ट हैं. इनको पता चल जाता है मैं कौन सा स्टैंड अप कर रहा हूँ, वैसी फिल्म को अप्रोच करते हैं. सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम निमृत कौर, यामी गौतम एंड मिस्टर अभिषेक बच्चन. धन्यवाद दर्शकों, शुक्रिया. आइए अभिषेक भाई, आपकी खुद की हीरोइन है, आप इतनी दूर क्यों खड़े हो गए? आप आइए, आप बीच में खड़े हैं. थ्री ब्लैक्स, आई लाइक इट. जी, थ्री ब्लैक. आप आज अलग ही चमकोगे शो में, क्योंकि आप अलग रंग पहना हुआ है. आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे. बहुत ही प्यारे लग रहे हैं आप, हमने ट्रेलर देखा. धन्यवाद. Good, good. So nice to have you back for the umpteenth time. Abhishek, I'm meeting you for the second time, na? Hai na? And Nimrat also second time. Yeah, आपसे पहले जो कुर्सी पे बैठ चुके हैं वो बहुत बार मिल चुके हैं इनसे. आप हाँ, उनके मिलने का टाइम गया, मेरे मिलने का टाइम. वो भी अभी वैसे फ्री हो चुके हैं. अगर आपका मन है तो हम उनको अप्रोच करते हैं. क्या बोलते हैं आप? नहीं, मेरा मन नहीं, तू अपना मन बता ना. सत्ता का संतुलन बनाए रखना चाहिए. अभिषेक भाई हमसे बहुत प्यार करते हैं, पिछली बार चित्रांगदा के साथ आए थे ये. हाँ. अच्छा, कंटेंट तो खुद ही बड़ा मजेदार दे जाते हैं, इनके किस्से कहानियां सुनाने की टाइमिंग बड़ी मजेदार है. ये भी ध्यान रखते हैं ग्लैमर की कमी ना रहे. पिछली बार एक हीरोइन, इस बार दो हीरोइन. बहुत बहुत स्वागत है, आइए आइए, प्लीज विराजमान हो जाइए. यामी पिछली बार थर्सडे के लिए आई थी, इस बार सैटरडे संडे के लिए आई है. हमारा शो सैटरडे संडे को आता है. आपने सोच रखा है पूरा हफ्ता आपको हमारे साथ ही टाइम स्पेंड करना है? बिल्कुल बिल्कुल जी, जितने पिछले साल का वो सब कॉम्पनसेशन एक ही साल में. मजा आया फिर आपको शूट करके? बहुत. वैसे फिल्म रिलीज हो चुकी है, आप लोग जरूर देखिएगा, आपको मजा आएगा. अलग सब्जेक्ट है जी. निमृत हमारे शो पे आई थी 2016 में. हाँ जी, एयरलिफ्ट के साथ. हाँ, एयरलिफ्ट के साथ, अक्षय जी के साथ. अक्षय पाजी के साथ? हाँ जी. वो तो आते हैं दिन में दो बार आते हैं. पर ये 2016 के बाद अब आई हैं, तो आपने सोच रखा था कि मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगी, कुछ बड़ा करूंगी तभी जाऊंगी? ऐसा आपके शो पे आने के लिए ऐसे ही कुछ बड़ा करना पड़ा, भी क्या करें. आप चीफ मिनिस्टर बनी हुई हैं, देखिए आप. हाँ जी बिल्कुल. कितनी खुश है, सच में थोड़ी बन गई आप, फिल्म में बन गई. अरे ट्रेलर से दिख रहा है कि सब अपने अपने करेक्टर में पूरा जमे हुए हैं, सबने अच्छा एक्सेंट भी पकड़ा है हरियाणवी. इसके लिए कोई ट्रेनिंग ली आपने? जी जी. दूसरा एक्सेंट पकड़ना हो, आप हिमाचल से हैं, पंजाब चंडीगढ़ रही हैं, और हरियाणा हालांकि बगल में ही है. जी, हम सबकी कोच हैं सुनीता मैडम. अच्छा जी. तो तीनों को उन्होंने सिखाया है. एंड जरूरी ये था कि जैसे आप देख सकते हैं ट्रेलर, सबका बैकग्राउंड अलग है एडुकेशनल. तो जो बिमो है, जो बिमला देवी है, वो उनका बिल्कुल ठेठ एक एक्सेंट है. गंगाराव चौधरी का उनके हिसाब से, उनके एडुकेशनल यू नो बैकग्राउंड के हिसाब से. मैं IPS हूँ, तो जो सबसे जो प्योर इमोशन होता है गुस्सा, सिर्फ वो हरियाणवी में ज्यादा निकलेगा. बाकी तो अदरवाइज हल्की हिंदी और हरियाणवी मेरे कैरेक्टर में मिक्स थी. सो वी जस्ट ट्राई टू बैलेंस इट आउट विद एज पर द रोल. मजा आया सीख के. पर आजकल डायलेक्ट कोच वगैरह हो गए, लेकिन पहले जो फिल्में होती थी उसमें से सारा हमको ही सोचना पड़ता था कि यार ये कौन सा एक्सेंट पकड़े. बट यू ऑल वर मोर टैलेंटेड देन अस ना. ओके, हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है. आपने अर्चना जी कभी कोई और एक्सेंट ट्राई किया अपने 50 साल के करियर में, जितना 30 साल कोई और एक्सेंट? मेरा खुद का एक्सेंट लोगों को याद नहीं है, तुम लोगों ने फेमस कराया मेरा वो ब्रिगेंजा वाला एक्सेंट. पर आपने बड़ा कमाल कर दिया था. मैं पता, मैं कॉलेज ही ढूंढता रहा कि ऐसी टीचर कौन से कॉलेज में होती है, हमें मिला ही नहीं वो कॉलेज. मैंने बोला किसी और तरीके से था, तुम लोगों ने ओह माय गॉड, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला. आपने कैसे बोला था वो वाला करके दिखा. माइंड ब्लोइंग. अभिषेक भाई, अमित सर ने भी, बच्चन साहब ने नमक हलाल में करेक्टर किया था जिसमें वो हरियाणवी बोलते हैं, तो आपने जब अर्जुन सिंह वल्द भीम सिंह वल्द दशरथ सिंह. हाँ. अच्छा, आप कभी पापा से स्क्रिप्ट डिस्कस करते हो कि इतना एक्सपीरियंस सुनाऊं कि आप वो कहते माफ कीजिए हम खुद बड़े बिजी हैं, किसी और को सुनाइए? आप वैसे शेयर करते हैं पापा के साथ कभी स्क्रिप्ट? डिस्कस तो नहीं करते हैं, लेकिन देखिए घर पे बातचीत तो होती रहती है कि देखिए एक कहानी सुना है, अच्छी लगी मुझे, आप क्या कर रहे होते, ऐसे बातचीत होती है. लेकिन वी डोंट लाइक कंसल्ट तो नहीं करते. पूरा नरेशन नहीं, नहीं, अपना अपना देखो. जी, आपको जी, अच्छी लगती तो करो, है ना. उन्होंने हमेशा ये एक छूट दी है कि भैया जो भी गलतियां करनी है खुद करो, मैं क्यों तुम्हें गाइड करूं. पता चले बाद में बोले कि पापा आपने बोला था कि पिक्चर करो. अच्छा, एक्चुअली किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए, मैंने देखा है.
अर्चना जी वाकई बंदा फंस जाता है, सही सही बोल रहे हैं। जब तू मेरी तरफ देख कर बोलता ना ये किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए, अब मैं सोचू कोई पंच आएगा मेरे ऊपर आएगा, कोई ताना आएगा, नहीं था। Excuse me, Miss Braganza, you know, sometimes you have to be serious in your life. Every time, comedy doesn't work. Miss Braganza, Rahul, I love you. Kapil Baji, lagta hai ki aap bhi 10th ki training le rahe hain, pass karne ke liye. Angrezi aapki kaafi sudhar gayi hai. Yeah. Yeah. मैं ना अभिषेक भाई अंग्रेजों के साथ बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल लेता हूँ। अच्छा वो ना गलतियां नहीं निकालते कि ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है या फलाना। वो मेन बात समझते हैं, भाव समझते, इमोशन समझते हैं। करेक्ट, इमोशन समझते। ये दिनेश तो मेरा दोस्त जो गिटार पे ना, रेड गिटार पे, ये तो और भी ज्यादा मतलब इंग्लिश इसकी क्या ही बात है। एक बार पता नहीं इसको कोई अमृतसर में हमारे गोरे घूमने आते रहते ना, टूरिज्म काफी अच्छा है, तो इसने बोला कि यार बड़े अच्छे लग रहे दोनों के साथ फोटो खिंचवानी है। इसने फोटो खिंचवा ली तो इसकी ठीक नहीं आई, तो इसको बोलना ना आया कि अनदर फोटो, कहता सेकंड फोटो। ओह निमरत, इस फिल्म में आप गाय भैंस चराने के साथ साथ उसके बाद आप विधानसभा में जाके स्पीच भी दे रही हैं। हाँ जी। कौन सा काम मुश्किल लगा आपको? गाय भैंस के साथ शूट करना आसान नहीं था, वो ज्यादा मुश्किल है। हाँ जी। क्या क्या प्रॉब्लम आई मतलब गाय भैंसों के साथ जब शूटिंग करते हैं? जी जानवर है, उसका अपना मन है, अब आज उसका मन नहीं है शूटिंग का। हाँ। उसको कैसे समझाओगे? उसको नहीं करनी शूटिंग। हाँ। उसको अपनी पूंछ घुमाते रहना है, घुमाते रहना। हाँ। सीन में पीछे तो आप वेट करोगे। हाँ। उसकी पूंछ रुकेगी तो मेरा डायलॉग शुरू हो। आई स्वेयर ये हाल थे, और लाइट जा रही है, बारिश हो रही है, ये सच बात है, और हम लोग पीछे जो है पूंछ उसकी रुकने के वेट कर रहे थे। जैसे अभी हम लोग हिमाचल में ट्रेवल कर रहे थे, एक बड़ा सांड बैठा हुआ था सड़क पे, तो हम हॉर्न मारे, 3-4-5वें हॉर्न पे उसने देखा, कहता इधर से निकल जाओ, मैं नहीं उठने वाला। मैं नहीं उठने वाला। सही है। अच्छा यामी, आप इस फिल्म में पहले तो जेलर का रोल निभा रही हैं। अच्छा सामने 6.5 फुट का बंदा, वो भी पॉलिटिशियन, वो भी कैदी बन गया, और सामने जेलर देखो आप, काजू कतली जैसी। आप बड़ी प्यारी लग रही हैं, आप ऑब्वियसली एक्टर तो बहुत कमाल की हैं। थैंक यू। वो मुझे एक बात जाननी है, ये असली जेल में शूट किया आपने? जी जी। मैंने किस्सा सुना है, आप बता सकते हैं कि सही कि नहीं? मैंने सुना है कि जिस दिन आप लोग शूटिंग करने गए पहले दिन, उस दिन दो कैदी रिहा हो रहे थे, जब उन्होंने देखा आप जेलर हैं तो वो वापस आ गए। हैं? ये वाकई हुआ है? वाकई हुआ। मैं एक और चीज बता दूं। हाँ। कि इनके 10 दिन पहले मैं शूटिंग कर रहा था वहां। अच्छा। वहां से कोई वापस नहीं आया, वो सब बाहर निकल रहे थे। जिस दिन यामी आए दो वापस आ गए, नहीं नहीं भाई साहब कहाँ जाएंगे अभी, वापस चलते हैं, अभी बाहर जाके अभी आदत नहीं। मैंने कहा ये सही है भाई। सीरियस, मैंने भी सुनी है बात, तो उनको बोला गया कि आपकी सजा पूरी हो रही है, कहते नहीं सर रख लो, कहते पूरी हो चुकी तो आपका कत्ल कर दें, कहते नहीं जा रहा है, ऐसा मैंने सुना है। पर रियल कैदी भी देखे होंगे आपने? जी जी बिल्कुल, वो वहीं रहते थे। और जेल तो वहीं रहेंगे? हाँ, आपको क्या लगता exactly है शाम को होटल में चेक इन करते हैं? हाँ मतलब वैसे बात करना अलाउड नहीं था, ना ही हमने उनके साथ शूटिंग की है, पर अगर कोई बैकग्राउंड में अगर कोई आपको दिख जाए तो मतलब वी कांट रियली आस्क देम टू मूव। हम लोग करीबन 1 महीना वहां शूट किए थे। अच्छा। आगरा सेंट्रल जेल में, और ये एक एक्चुअल सेंट्रल जेल है, तो पहला दिन जब हम लोग शूटिंग शुरू करने जा रहे थे तो पूरी यूनिट को लगा था कि एकदम खुनखार डॉक्टर डैंग मोगैम्बो टाइप्स होंगे वहां। लेकिन बहुत ही साधारण किस्म के विनम्रता से सब लोग नमस्ते, तो 2-3 दिन के बाद आदत सी पड़ गई थी कि हाँ भैया ये सब हमारे बंदी लोग हैं, अभी चलो बातचीत होती रहती थी, तो हम भी शॉट के बीच में वो लोग देख रहे होते थे, अच्छा ऐसे होती है शूटिंग ये वो। तो एक दिन एक ऐसे बैठे थे, तो मैं जरा एक्टर ना इंक्विजिटिव, अच्छा नमस्ते कैसे हैं, कितने टाइम से हैं भैया? अभी हमें कुछ 20 साल हो गए हैं। 20 साल हो गए हैं? तो 20 साल से? हाँ सिद्ध निर्दोष तो होंगे आप? हाँ भैया हम तो निर्दोष। हर कोई वहां निर्दोष निर्दोष है। हर कोई। तो फिर यू नो बातचीत होती रहती, फिर ये एक फ्रेंडशिप सा हो जाता है। तो भैया लेकिन किस वजह से आए? नहीं भैया वो क्या है कि हम क्रिकेट खेल रहे थे तो उसने मुझे आउट कर दिया, तो मैंने निकाल के उसको मार दिया। बस।
तो आपने फिर उनकी बॉल खेली? नहीं, मेरा ये था, हाँ क्या रेडी? हाँ, हाँ, हाँ। एक और थे, अच्छा वो आके हमेशा, वो उनको बड़ी दिलचस्पी थी शूटिंग देखने की। तो एक दिन वो आए, हमारे असिस्टेंट हैं विनोद, तो विनोद को आके बोले कि भैया जी को बोलो कि हमें भी काम पे रख ले, अच्छा। हम घर पे काम कर लेंगे। तो विनोद ने उनसे पूछा कि भैया आप किस वजह से हैं? चोरी की वजह से। प्रभु ईमानदारी के पॉइंट, ईमानदारी। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जिस दिन हम लोग अपना शूट वहां खत्म करके निकल रहे थे, तो वहां के जो सुपरिंटेंडेंट है, उन्होंने कहा कि देखिए जितने भी हमारे कैदी लोग हैं उनसे आप जरा 2-3 मिनट बात कर लीजिए, उनको अच्छा लगेगा। कहा ठीक है। तो वो मैं भी भावुक होके मैंने बोल दिया कि देखिए मैं चाहूंगा कि जैसे ये फिल्म तैयार हो जाए सबसे पहले हम आपको दिखाएं। अच्छा। और सबसे पहले हमने आगरा सेंट्रल जेल में पिक्चर दिखाई टू द गार्ड्स, टू द इनमेट्स, कुछ 2,500 कैदी ने बैठ के जमीन पे पिक्चर देखी, हमने पूरे 2-3 स्क्रीन लगाए हुए थे, बड़ा अच्छा लगा। एनीवे जब ये भाषण देखे, जब हम निकल रहे थे, सब कुछ खत्म हो गया था, तो गार्ड वार्ड के साथ जो कुछ भी फोटो वोटो लेने थे, तो एक कैदी जी आए, उन्होंने कहा भैया बहुत अच्छा लगा, आपने ये वादा किया कि आप ये फिल्म, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा क्यों भैया, क्या है? तो ये जो थे, ये व्यक्ति एक शायद 30 साल से जेल में है, बूढ़े थे काफी। तो उन्होंने कहा कि भैया वो क्या है कि मेरा परिवार जो है वो 20 साल से विजिटिंग पे आता नहीं है। अच्छा। तो उनके जो परिवार के सदस्य थे वो 20 साल से उन्हें देखे नहीं है, वो आते ही नहीं है। पहले 10 साल आए, फिर उन्होंने बंद कर दिया। तो मैंने कहा क्यों बंद किया भैया? इसे शायद थक गए होंगे, अभी मैं कहीं तो जाने वाला हूँ नहीं, मैं इधर ही हूँ, लेकिन वो शायद थक गए कि अभी अभी कहाँ जाएंगे, वो भी दूर से आते थे। तो 20 साल से मेरे परिवार के लोगों ने मुझे देखा नहीं है, अभी ये जो फिल्म रिलीज होगी अगर मैं पीछे कहीं दिख गया तो उनको तसल्ली मिल जाएगी, हाँ चलो बापू ठीक है, ऐसे दिखते हैं आजकल। वो सुन के बहुत बुरा लगा मुझे। हम सब ऐसे ही काफी, यामी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। टेल देम द स्टोरी अबाउट द, वही दैट वाज द बेस्ट पार्ट। फोन्स नहीं, कोई कैमरास नहीं, सिर्फ एक ऐसे नोटबुक आती थी कभी कभी, यू नो ऑटोग्राफ के लिए। तो मेरा पैकअप हुआ और मुझे बोला कि मैम किसी को ऑटोग्राफ चाहिए। मैंने कहा हाँ श्योर। तो उन्होंने एक रजिस्टर आया मेरे सामने, तो उसमें एक फोटो लगा हुआ था जो है अंदर उनकी वाइफ और उनकी बेटी का। मैंने पिक्चर देखा, मैंने कहा अच्छा। उन्होंने मुझे मैसेज आया था कि बेटी के लिए प्लीज़ कुछ लिखिएगा, उनके लिए आप ऑटोग्राफ साइन कीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो मैं ऐसे रजिस्टर देखने लगी, मैंने कहा ये क्या है, इतना काफ़ी नोट्स बने हुए थे उसमें। तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए, शी मस्ट बी अराउंड 12-13 साल की होंगी, तो उन्होंने प्लान बनाया हुआ था कि जब मैं निकलूंगा तो ये अपनी बेटी को दूंगा। उन्होंने कम से कम 15-20 करियर ऑप्शंस लिखे हुए थे कि अगर IAS बनना है तो मेरी बेटी को 12th में इतने मार्क्स चाहिए, उसके बाद ये परस्यू करना है, ये कट ऑफ है, बैंकर बनना है तो ये, आर्मी में जाना है तो ये, IAS बनना है, IPS बनना, मतलब इतने करियर ऑप्शंस और एक एक डिटेल लिखी हुई थी जो मतलब शायद इंटरनेट पे आपको घंटों बैठने के बाद भी इतनी यू नो रिसर्च करनी पड़ती है। एंड ही डन एवरीथिंग फॉर हिज डॉटर। तो मैं अगले दिन मिली उनसे, मैंने कहा मैंने साइन की और आप बताएंगे मतलब आप कैसे कर, कहते नहीं मैं मैम मुझे, मैंने कुछ नहीं किया और ये अपनी बेटी के लिए ज़रूर, मैं जो भी वक्त मुझे यहाँ मिलता है मैं पूरा अपना बेटी के लिए यहाँ स्पेंड करता हूँ, लाइब्रेरी में बैठ के वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होता है अपनी, जो वो बनना चाहती है मैं चाहता हूँ बने, और जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पर हूँ कुछ भी उसको रोके नहीं, उसकी यू नो कोई अड़चन ना बने उसके काम के लिए। अच्छा, ये एक तो इनकी किस्से कहानियाँ सुन के एक चीज़ बड़ी सीखने वाली है कि कभी कभी हम लोग ना क्रोध में आके, या कोई भी क्राइम हो, वो चाहे चोरी चकारी किसी ने करी हो उस वजह से जेल में है, वो होता है 1-2 पल का ही है शायद, 1-2-3-4 सेकंड मैक्सिमम है ना। अगर उस समय आपने संयम रख लिया, कंट्रोल कर लिया, तो इन सब चीज़ों से बच भी सकते हैं, क्योंकि आप तो चले गए, उसके पीछे परिवार का क्या हाल होता है। और ये एक्चुअली इमोशनल किस्से भी हैं, सो हम लोग थोड़े अपने लेवल वाली बातें करते हैं। जब इस फिल्म में चौधरी साहब को जेल हो जाती है तो बीवी को बना देते हैं CM, उसके बाद बीवी के मन में आ जाता है लालच कि अब तो मैं कुर्सी छोड़ूंगी नहीं। अरे ये कहानी आपको सुनी सुनी सी नहीं लग रही? मतलब मैं मान गया हूं, अब खामखा लोग आपको आके पंच मारते हैं।
यहाँ पे वो अपने पति के लिए कुर्सी नहीं छोड़ रही, आप किसी के पति के लिए क्यों छोड़? You're right. Please stay there. तेरा भी जवाब नहीं कपिल, तेरा भी जवाब नहीं, तू से मेरे से कोई ताल्लुक रखता हुआ कुछ मुद्दा ढूंढ लाता है बस। निमृत क्यों होता है ऐसा, इंसान के मन क्यों बदल जाता है ये? मैं उसी को किस्सा कुर्सी का कहते हैं शायद। इंसान है ना, इंसान है, मन है, मन तो बदलने के लिए बनाया होता है। अच्छा नहीं। अच्छा ये जो आपने रियल कैदियों के साथ शूट किया, जो जेल प्रशासन था उनको डर नहीं लगा कि कहीं एक्ट्रेस के भेस में कैदी भी निकल जाएं? ले कई कई एक्टर ऐसे होते हैं जो कैदी जैसे लगते हैं कई। नहीं मतलब होता ना कि लुक में, अब आपके साथ जो एक्टर एक्टिंग कर रहे होंगे एक्टर ही है ना, पर जेल वाले कपड़े पहने तो कैदी तो लगेंगे। किसी की याद आ गई। नहीं होता क्या था कि अगर सुबह 7 बजे शूटिंग शुरू होनी थी तो हम लोग को 5 बजे बुलाया जाता था। अच्छा। और वो पूरा बायोमेट्रिक सिग्नेचर वो सब लेते थे, फिर एक स्टैंप देते थे। ओके। हर एक क्रू मेंबर को एक स्टैंप लगता था। और जब बाहर निकलते हैं शाम को, बीच में निकल नहीं सकते। अच्छा। तो शाम को जब पैकअप के बाद निकलें तो वो स्टैंप दिखाएं, फिर उन्हें बाहर जाने को अलाउ करें। ऑलमोस्ट आप भी अंदर ही थे फिर जेल में। हाँ हाँ, होल डे। लेकिन कई बार अक्सर ऐसे हुआ कि सब पूरी यूनिट निकल रही है, कोई क्रेन वाला, कोई ये वाला, सडनली यू हियर सम कमोशन, क्या हुआ? ऐसे 2-3 कह दिए ऐसे ही। हाँ चलो भाई, चलो चलो। रोज रोज कोशिश करते थे, सबके सब पकड़े जाते थे। लेकिन ये जरूर कहना चाहिए कि वहां की जो अथॉरिटीज हैं, दे वर फैंटास्टिक कपिल पाजी। ऑब्वियसली मतलब माने उन्हें डर नहीं लग रहा था, लेकिन हम लोग थोड़े बहुत डरे हुए थे कि अभी जो कुछ भी है, आई डोंट थिंक मेनी ऑफ अस, मैं तो कभी, इन दोनों भी शायद कभी जेल के अंदर तो गए नहीं है। क्या पता तो सब लोग थोड़े बहुत डरे हुए थे कि क्या होगा, कैसे होगा। एक दो दिन के बाद सब लोग एकदम रिलैक्स हो गए थे, दे वर वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड। पर ये एक और हमने बात सुनी है सर, कहते हैं कि जब आप आगरा की जेल में शूट कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने ये फिल्म की कहानी से प्रेरित होकर ये फैसला लिया कि हम भी 10वीं का एग्जाम देंगे, ऐसा हमने सुना है। इज इट ट्रू? जी इट्स ट्रू। करीबन 20 कैदी जो है उन्होंने ये तय कर लिया था कि, क्योंकि कहानी तो उनको पता चल गया था, लग जाती है। तो उन्होंने हमारे निकलने के बाद ये तय कर दिया कि हम लोग भी 10वीं देंगे, पढ़ाई किया। इस बार जब हम लोग वापस गए, उन 20 में से 10 या 12 पास भी हो गए। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। एक सवाल मेरा आप तीनों से है, ये 10वीं फिल्म करने में ज्यादा मेहनत लगी कि रियल लाइफ में जो 10वीं करी थी उसमें ज्यादा मेहनत लगी थी? मजा तो 10वीं फिल्म करने में ज्यादा आया। अच्छा। मेहनत तो दोनों तरफ लगी। क्योंकि जब 10वीं क्लास के एग्जाम आते हैं ना, सडनली घर वालों का, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, बोर्ड के एग्जाम है, बोर्ड के एग्जाम है, बात ही नहीं करना चाहते, डराते बड़ा है, टाइम मत वेस्ट करो, जाओ अंदर घर में पढ़ो, पढ़ते जाओ 10वीं पढ़ लो। मैं तो, मुझे लगता है ऐसा फील होता है स्कूल में कि आपका जन्म ही 10वीं के लिए हुआ है, मतलब राइट फ्रॉम यू नो 6th स्टैंडर्ड, 3 साल, 3 years to go, 7, 2 साल, 1 एंड देयर 10th। तो मुझे लगता है बहुत बहुत घबराहट होती है, बट फॉर सम रीजन मेरी 10वीं बहुत अच्छी गई, 9th बड़ी मुश्किल थी। क्यों? मुझे लगता है पूरा भार उन्होंने 10वीं का 9th पर डाल दिया था। आई थिंक 9th में जान निकल गई थी, तो 10th बहुत अच्छी लगी। आपको भाई? नहीं, मुझे पिक्चर करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। जवाब मिल गया ना मेरे 10वीं एग्जाम कैसे गया? पर एक कुछ सब्जेक्ट्स आपके फेवरेट होते हैं ना, कौन कौन से फेवरेट थे आपके? हिस्ट्री, बायोलॉजी, एकदम आर्ट्स और साइंस मिक्स हैं। मैं तो जैसे ही 10+1 में आया, मैंने कहा साइंस और मैथ साइड पे कर दो। नहीं मतलब क्यों हमें दिमाग खराब करना ना, वो हिस्ट्री मुझे भी अच्छी लगती थी। मुझे बड़ा होकर पता चला कि मुझे कहानियां पढ़नी अच्छी लगती है, इसलिए शायद हिस्ट्री अच्छी लगती थी। भाई आपका क्या फेवरेट था? ड्रामा। 10वीं में ड्रामा होता था? जी, मेरे स्कूल में। अच्छा, महंगे स्कूल में इनके ड्रामा होता था, हमारे तो टीचर नहीं होता था कभी कभी। हमारे स्कूल में ड्रामा और स्पोर्ट्स के लिए भी मार्क्स मिलते थे। वाह। बट यू वर इन स्विट्जरलैंड राइट? जी। तो फिर वो आईबी में पढ़ने गए थे, हम आज तक घूमने नहीं जा पाए। वाह भाई, आप पढ़े स्विट्जरलैंड में हो, घूमने कहाँ जाते हो फिर आप? मैं बंबई आता था, मुझे बड़ा शौक था घर आए। अच्छा। मुझे वो अच्छा लगता था।
छोड़ो यार, मुझे मिलने दो. हेलो अभिषेक सर. हेलो यामी मैम. हेलो निमृत मैम. हेलो. आई एम सो सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई. एक्चुअली ट्रैफिक बहुत थी. ट्रैफिक था तो तेरे तो फूल और पेन बड़े बिके होंगे आज. ट्रैफिक का तुझे क्या लेना, तुझे पैदल आना, यूं यूं करके निकला था. तुझे ट्रैफिक का क्या लेना. सुन लो अर्चना जी, मैं कुछ ना करूं तब भी प्रॉब्लम है, कुछ करूं तब भी प्रॉब्लम है. यार पेन बेचने में क्या प्रॉब्लम तुम्हें. तो अपने बेचना, बैंक वालों को उठा के क्यों बेचता है. अब बोलता ये बैंक में जाओ ना, पेन बंधा होता है रस्सी से, इसकी वजह से बांधना शुरू किया. तो फिर जाकर बैंक वालों को समझाओ ना कि पेन बांधना बंद करें, उन लोगों को बांधे जो हजारों करोड़ रुपया लेकर भाग रहे हैं. क्या बात है स्टार. कपू शर्मा, तुम्हें कलम की ताकत का अंदाजा नहीं अभी तक. मेरे को अंदाजा है, बहुत ज्यादा ताकत है. क्या ये पेन से लिख देता है कागज पे, बाहर गांव से आया हूँ, रहने को जगह नहीं है, कृपया मेरी मदद की जाए. एक आदमी को इसने दिखाया, कहता है ये पढ़ा नहीं जा रहा क्या लिखा है. कहता है ये लिखा है, मैं बोल भी नहीं सकता. वो भड़क गया इसपे. तो कहता भड़क क्यों रहे हो, 5 रुपए कम दे दो. ये हरकत तो करता है मेरा दोस्त. यामी मैम, आपके हस्बैंड डायरेक्टर है ना जी, अगर मुझ पे कोई बायोपिक बनानी हो ना तो उनको बोलो कपिल शर्मा से कॉन्टेक्ट करें. क्योंकि इनको मेरे बारे में मुझसे ज्यादा पता है. तेरी बॉडी में एंटीबॉडी तो बनती नहीं, तेरी बायोपिक कहां से बनेगी. कॉन्फिडेंस देखो आप. अच्छा मेरी बॉडी से छोड़ो, मेरी एंटीबॉडी के बारे में इस बंदे को पता है. अभिषेक सर मैं तो डॉक्टर के पास भी जाऊँ ना एक्सरे करवाने के लिए, तो वो कहते हैं एक्सरे हो गया. मैं कहा सर रिपोर्ट, कहते रिपोर्ट कपिल शर्मा तुम्हें बता देंगे. अरे मैं तेरे से पूछना ही भूल गया. शट अप, इधर क्या करने. गेस्ट से मिलने के लिए आया हूँ. अभिषेक सर आपकी जो फिल्म आ रही है 10वीं, उसका ट्रेलर देखा मैंने. क्या बात है, बहुत बढ़िया सर फिल्म लग रही है वो. ट्रेलर ही देखता है, फिल्म तो देखने के पैसे. क्या उसमें क्या. एक्चुअली सर चक्कर पता क्या है, मैं देख रहा था बड़े ध्यान से, तो ट्रेलर में एक चीज मैंने नोट की, आप फिल्म में जेल जाते हैं ना. हाँ. जी मेरे दादाजी भी कई बार जेल गए हैं. कई बार जेल गए. हाँ ये बोल, कई बार बाहर आते हैं, वैसे तो पक्के ही रहते हैं. ओह यार सर चक्कर पता क्या है, वो सोशल एक्टिविस्ट थे इसलिए उनका आना जाना लगा रहता था. एक बार अंग्रेजों की पार्टी चल रही थी, वहां पहुंच गए. सारे कहते हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसका दादा कहता अंग्रेजों दाल छोड़ो, हमें भी खानी है. अभिषेक सर मुझे एक बात बताइए, अगर अंग्रेज हमारा कोहिनूर खा सकते हैं तो हम उनकी दाल नान नहीं खा सकते, ये बताओ. इसको ये ही नहीं पता कि दालें यहीं से लेके गए थे अंग्रेज, दाल इधर ही पकड़ी. तेरा दादा कोई ग्लास को थोड़ी गया था, इधर ही हो रहा था बात. इधर मांगता है प्लीज, अब मांगता है ठीक है. सर वो मैंने 10वीं का ट्रेलर देखा, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ. 10वीं का मेरे को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मेरी फेवरेट क्लास भी 10वीं थी, इसीलिए इसने 5 बार की. पर बाहर आके शर्मिंदा नहीं हो रहा, लोगों को कहता मैं 50 क्लास पढ़ा हुआ हूँ. इसकी तो 11वीं क्लास में एक गर्लफ्रेंड बन गई, उसने कहा लंच पे चलते हैं, ये उसको बच्चों के स्कूल में मिड डे मील में ले गया. तो जितना मर्जी लंच करो. सर उसको बच्चे पसंद थे, इसलिए मैंने कहा बच्चों का भोजन भी पसंद होगा. तो फिर सर 10वीं क्लास के बच्चों के साथ मिलकर हमने खाना खाया है. देख लीजिए सर मेरी एंट्री एक तरफ चल रही है, 10वीं की प्रमोशन दूसरी तरफ चल रही है. आज क्या तू फुल फॉर्म में. मैं पूरी फॉर्म में हूँ कपू शर्मा. मैं कहता हूँ तू तो यूनिफॉर्म में आ. सीरियसली यूनिफॉर्म में आ, इधर आ जा, 4 पैसे कमा, अपने दादा का दांतों का सेट लगवा. दांतों का सेट. हाँ दांतों का सेट लगवा रहे, इतने पोपले हो गए ना, हंसते तो ऐसा लगता है मुंह से ताली भी जा रहे. दीदी मेरे दादा की जानकारी. इतना कंजूस आदमी ना, गया डेंटिस्ट के पास, कहते दांत लगवाने दादा को, कहते 30,000, एक कारपेंटर के पास ले गया. लकड़ी के लगवा दिए. सर लकड़ी के दांत लगवाने में क्या प्रॉब्लम, मुझे ये बताओ. सिर्फ एक बार प्रॉब्लम आई थी, उन्होंने गरम गरम सिजलर खा लिया था, तो इधर वाले दांत उनके जल गए. और ये भी बदतमीज आगे किसी को बुलाने रहा, हाथ सेकने लग गया. अच्छा लोगों के दांतों में कीड़ा लगता है, इसके दादा के दांतों में दीमक लगी. जा यार. यार मेरी बात सुनो. वो मेरे दादाजी की बात नहीं सुनने के लिए आए, इधर प्रमोशन करने के लिए आए हैं. निमृत मैम सोच ले. नहीं नहीं सोच लिया मैंने. निमृत मैम ये मैंने 3 दिन में ठीक कराया, तो निमंत्रण बोल रहा था. कहता अभिषेक बच्चन के साथ निमंत्रण भी आ रही है. मैं कहा तेरे को आमंत्रित नहीं करना. अच्छा बोल के दिखा निमंत्रण. निमृत मैंने याद कर लिया, अब मत तंग करो मुझे.
निमृत मैम सो मैम हाँ जी मैंने आपकी पिक्चर देखी एयरलिफ्ट क्या कमाल की एक्टिंग की हालांकि अक्षय कुमार थोड़े से नर्वस लग रहे थे उसमें कौन कौन नर्वस लग रहा था अक्षय अक्षय कुमार पाजी साहब क्यों नर्वस अक्षय कुमार पाजी साहब ये बात तू तो कॉन्फिडेंस से बोल ये अब ये बात बोली है ना इसने अब अक्षय पाजी को आने दो ये दिखाना हम इसे बुलाए ना बुलाए वो इसको बुलाएंगे अब तू देख तो किस बिजनेस में खतरा नहीं होता मुझे ये बताओ कपिल शर्मा मुझे बात करने दे अरे बैठना चंदू इधर आके बैठ निमृत मैम बैठ बैठ कुछ नहीं होता आजा कोई कुछ नहीं कहता बैठो आराम से मैंने आपकी लंच बॉक्स भी देखी थी हाँ जी तो इसको लगा तो शायद लंच भी करवाएंगे आप इसलिए देखी मैंने आपकी लंच बॉक्स भी देखी उसमें मतलब बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं आप हाँ जी तो मेरी मम्मी ने भी यही सोचा था कि ऐसी कोई लड़की देखकर मेरे हाथ पीले कर दिए जाएं और जो दांत पीले हैं उसका क्या करना यार तुम मुझे ना मेरी बात सुन तुम हल्के में ले रहे हो मैं वो शेयर मार्केट का शेयर हूँ जिसकी वैल्यू बाद में बढ़ेगी शेयर नहीं तू अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहा है तुम बिल्कुल कोयला है कोयला सदियों बाद तेरी कीमत बढ़ेगी तो पता ही नहीं है सर्दियां कौन सी दूर है 3 महीने बाद सितंबर में सर सर्दियां शुरू हो जाएंगी ओए सर्दियां तो तू अपने इलाज क्यों नहीं कराता नहीं मैं इलाज नहीं मैं इधर प्रमोशन कराने के लिए आया हूँ अच्छा 10वीं की प्रमोशन तो छोड़ मैं तेरे को 5वीं का सवाल पूछता हूँ ठीक है हाँ। मुगल भारत क्यों आए थे वो अपने घोड़ों की प्रमोशन करने के लिए आए थे तुम मिले नहीं ये जवाब है इसके क्या यार तुम्हें 10-10 रुपए के सवाल पूछ रहे हो बड़ा सवाल पूछो बड़ा सवाल पूछो हाँ बड़ा सवाल पूछो चल बता ताजमहल किसने धोया था धोया नहीं होता ताजमहल किसने बनवाया था ये ओ, बंदे के हिसाब से कर लेता हूँ मैं तेरा तू बता किसने धोया था आपको पता इसके इसके ग्रेट ग्रैंडफादर वो बड़ा अच्छा ताजमहल धोते थे यार पिछले एपिसोड में मेरे दादाजी मुगलों के घोड़े धोते थे इस एपिसोड में वो ताजमहल धो रहे हैं इतने टैलेंटेड थे मेरे दादाजी बहुत टैलेंटेड जिस दिन ताजमहल की ओपनिंग थी सारी रात शाहजहां के सामने नाचे इसके दादा वो सर एक्चुअली उधर उस दिन उनका कॉन्सर्ट था कॉन्सर्ट नहीं उस दिन उनका इंसल्ट था जा यार ये तो कुछ नहीं इसकी दादी एक बार देखो यार हद हो गई है एक एपिसोड में मेरे घर का सिर्फ एक ही मेंबर आएगा मेरे दादाजी आ गए हैं दादी की बारी अगले एपिसोड में सर आपको आपकी फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू सो मच निमृत जब आप 2016 में हमारे शो पे आई थी उसके बाद से लेकर आज तक बहुत कुछ बदल चुका है हमने बड़ी नई सारी चीजें शुरू की हैं हमने एक नई चीज शुरू की जैसे आप अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स डालते हैं ना तो उसके नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं अरे हाँ हमारी जनता इतनी क्रिएटिव हो गई है ना इसमें चलो तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि लोग कितने मजेदार कमेंट्स डालते हैं दिखाइए जरा अरे ये अच्छा फिर से अभिषेक भाई की ये पिक्चर है इंस्टाग्राम पे हैप्पी होली हाँ जी कमेंट्स दिखाइए नीचे किसी ने लिखा लंबे आदमी का यही फायदा किसी का भी हाथ मुंह तक नहीं पहुंचता ओ, आगे दिखाइए इन्होंने 2000 की टी शर्ट तो खराब कर ली अब नीलामी में 2 लाख की बिकेगी मेरी रंगी हुई टी शर्ट के बदले तो बर्तन वाला कटोरी भी नहीं देता होली पे जब मेरी ज्यादा हो जाती है मैं भी ऐसे ही शांत खड़ा हो जाता हूं ताकि पकड़ा ना जाए और दिखाइए थर्सडे लोडिंग नाइस पिक्चर यामी थैंक यू आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं तुम्हें पालक कहूं पुदीना कहूं या कहूं धनिया लेकिन तुम्हें देखकर लगता है यू आर माई दुनिया ये किसी भाई साहब ने लिखा मैं आपको देखकर बार बार फिसल रहा हूं क्योंकि ऐसे रंग की हमारे यहां बरसात में काई जमती है इस सूट का कपड़ा बचा उसके पौधे बनवाए
या पौधे बच गए उसका सूट सिलवाया. और दिखाइए. Oh my God. So that's me. How do you like your coffee? Nimrat, ये आप ही हो? हाँ जी. अच्छा, ने कप आ गया ना आगे. इतना बड़ा कप. But where is this cup, यार? आगरा में जिस होटल पे थे ना, वहाँ पे एक बार पे टेबल पे ये कप पड़ा हुआ था. तो आते जाते हाँ. मैंने तो देखा नहीं. अच्छा? या पड़ा नहीं हुआ था, ये अपना भूल आई उधर. इनका कप है. ये दसवीं के दौरान है. अच्छा. हाँ जी. दिखाइए कमेंट जरा. मैं देखा ही नहीं. ये कप मुझे दे दो, मेरे बच्चे का बाथटब बन जाएगा. किसी ने कहा बच्चे का छोड़, कॉफी पीने के बाद वो खुद भी इसी में नहाएंगे. ज्यादा मेहमान आए तो इस कप में भी रुका सकते हो. रुका सकते हो. इस प्लेट को आप डंडे के साथ बांधकर छत पर लगा दो, चार पांच चैनल पकड़ सकती हैं. It's a dish, literally. और दिखाइए. अरे यार. एंड यू थॉट आई वाज टॉल. वेलकम टू इंडिया, केविन ड्यूरेंट. ये अच्छा, ये बास्केटबॉल वाले भाई साहब. दिखाइए कमेंट्स. अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे. ये आदमी है या कानून? बड़े लंबे हाथ हैं इसके. वाकई यार, कितना लंबा आदमी है भाई. क्या हाइट? हाँ, ये कुछ 6'10" या है शायद. बाप रे, ज्यादा मत बोल, ये 4 फुट दूर से थप्पड़ मार देता है. वाकई. और दिखाइए. ये इतने ऊंचे हैं, सर्दियों में इनके सर पे बर्फ पड़ती होगी. ये आदमी तो उड़ती हुई फ्लाइट भी पकड़ सकता है. जिन्होंने इनकी पेंट में जिप लगाई है वो कंपनी लिफ्ट बनाती है. ये मुझे लगता है इंडिया में ही हो सकता है ना. ये टैलेंट ये वो बेचारे को पता भी नहीं. और दिखाइए. Oh. If only I could have these in my backyard. Chai love Himachal, Palampura. मेरी फेवरेट जगह है हिमाचल. है ना? ये चाय के बगान है. अच्छा, मुझे लगा आम लगे हुए हैं. दिखाइए कमेंट. आप दूध सी सफेद और आसपास चाय पत्ती, बस चीनी की कमी है. मैं आ जाऊं? सब हीरोइन लोग को चाय का बाग अच्छा लगता है, फिर चाय काहे नहीं पीती? बताइए. नहीं, चाय काहे नहीं पीते हीरोइन? क्यों नहीं पीते हैं? बिल्कुल पीते हैं. और दिखाइए. तभी तो मैं खुश हूँ इतनी, क्योंकि मुझे लगा अरे चाय के बगान और इतनी अच्छी खुशबू आ रही. ये है हिंदुस्तान की गृहिणी, सस्ती चाय के चक्कर में सीधा खेत पहुंच गई. ग्रीन टी से आदमी तभी पतला होता है जब वो खुद पहाड़ चढ़ के चाय की पत्ती लेके आए. वाओ. और दिखाइए. निम्रत ने पकड़ा. When you realize half the year is officially over and lockdowns are far from. पुरानी फोटो है. दिखाइए इसके नीचे कमेंट्स. जाइए अपनी बाल्टी भी लेकर आइए, ऐसे पोज देने से पानी नहीं मिलेगा. आप ऐसे खूबसूरत बनके खड़ी रहोगी तो सामने वाला अपने घर से पानी लाकर आपको दे देगा. वजन कम हो तो आदमी एक पैर पे भी खड़ा हो जाता है, हमको तो दो भी कम पड़ते हैं. अच्छा वाह, डिटेलिंग में देखा, एक पैर पे खड़ी है. निमंत्रण जी, ये देखो. निमंत्रण जी, आप यहाँ से हटे तो हम भी नहाने आए. ये पक्का कहीं चंडीगढ़ दिल्ली से आया कमेंट. निमंत्रण जी क्या है? नहीं, कभी कभी ऑटो करेक्ट भी हो जाता है ना, पर ऑटो करेक्ट में भी हिंदी का वर्ड क्यों आएगा. और दिखाइए. अरे नहीं यार. बिलीव, कीप स्माइलिंग एंड ऑलवेज बिलीव. आगे दिखाइए कमेंट्स. मुझे लगता है अब आपके शो के हिसाब से लोग कमेंट्स लिखते हैं. हाँ, तो लिखते पता हैं लोग. यस, कीप स्माइलिंग भाइयू. अच्छा, बच्चन साहब ने लिखा है, यू हैव मैनी रीजंस टू बी स्माइलिंग. वाओ. भाइयू? भाइयू भाइयू भाइयू. ओके. अभिषेक बच्चन सेट मैक्स पर सूर्यवंशम देखते. गिरते मार्केट को देखते हुए बिग बुल. अब पता चला कैसा लगता है जब आपसे बात करते वक्त दूसरों को मुंह ऊपर करके रखना पड़ता है. ओह. और दिखाइए. दिस मोमेंट कैप्चर्ड शैल फॉरएवर रिमेन स्पेशल. इट वाज टाइम स्पेंट विद माय फैमिली इन द लैप ऑफ नेचर.
माय बिलव्ड हिमाचल सेम हेयर. कमेंट्स पढ़ाइए जरा. ये कैप्शन मैं कॉपी करके फोटो डालूंगा धर्मशाला वाली. यामी अपने स्वामी का वेट करते हुए. लगता है अंदर हस्बैंड नहा रहे हैं और ये बाहर निगरानी पर बैठी हैं. यामी जी, अगर आप हिमालय से पानी की बॉटल भर के ले आए तो मैं 20 रुपए पर बॉटल बिकवा सकता हूँ. 12 आपका, 8 मेरा. डील पसंद आई तो डीएम करें. अर्चना जी ऐसे करते हैं कमेंट. और दिखाइए कमेंट्स. नहीं नहीं, फिर मैं अगर मेरा होता तो 8 में नहीं रखती, 12 में रखती, 8 इनको देती. खुद तो बैठ गई, पति को मोमोज लेने भेजा है. मोमोज लेने. जब सर्दी ज्यादा होती है तो मैं भी बाथरूम में बाल्टी के पास आधा घंटा बैठ के बाहर आ जाता हूँ. और दिखाइए. फ्रॉम माई होम टू योर्स, हैप्पी दिवाली. ये कहाँ की फोटो निमरत? ये नोएडा में मेरे नानी जी का घर है. अच्छा, हाँ जी, दिखाइए जरा कमेंट्स. बड़ी प्यारी फोटो है निमरत. थैंक यू. ये रंगोली मैंने बनाई है. रंगोली की बात कर रहा हूँ. पूछने वाली कि बहुत सुंदर रंगोली, बहुत सुंदर पिक्चर है एक्चुअली. मैं घर पर नहीं हूँ, मुझे विश करने ऑफिस आ सकती हो? कब तक हैप्पी दिवाली बोलती रहोगी? कभी हैप्पी वैलेंटाइन भी बोल दिया. ये गमलों में ऐसे कैसे फूल लगे हैं जो रात को चमकते हैं? कमेंट किसने किया, कृपया शराब पीकर कमेंट ना करें. आगे. निमरत, इस फिल्म में दसवीं में आप एक डायलॉग बोलती है ना कि मैं अब सीएम बन गई हूं, मैं अब गाय भैंस नहीं चराऊंगी. सीएम तो खैर नहीं, अब तीनों सेलिब्रिटी तो हैं. एज ए सेलिब्रिटी, ऐसी कौन सी चीज है जो आप मिस करते हैं कि जो सेलिब्रिटी बनने से पहले कर सकते थे अब नहीं कर सकते? मेरे घर में नोएडा में ना जो एक लोकल मार्केट है वहां पे गोलगप्पे वाले. पता नहीं क्यों लग रहा था ये गोलगप्पे आएंगे. अच्छा, तो आप क्योंकि वहां पे क्या होता है ना, फिर आप फुर्सत से आराम से खा नहीं सकते क्योंकि आपकी कोई फोटो ले रहा है और आप उसके साथ तो वो अजीब लगता है. गोलगप्पा खाते तो मुंह भी बड़ा खुलता है. हाँ, और वो आधा टूट जाता है अक्सर. एक शॉट में तो जाता नहीं, आधा इधर टूट गया, बाहर आ गया. हाँ. खांसी हो जाती है. तो आपको एक स्कीम देता हूँ ना, आप जिस मान लो पानी पूरी अगर 5 रुपए की एक है, अब उसको मैं तेरे को 10 दूंगी तो घर पे आ जा. हाँ, ये भी अच्छी बात है. आपके यहाँ पे आके मैंने बड़ा कुछ सीखा है. जैसे हम कभी कभी ना कोई किसी के साथ ऐसे पानी पूरी बड़ा बार हमने शो पे मंगवाया, एवं की सेलिब्रिटी को खिलाते हैं. जैसे प्रियंका चोपड़ा आई थी तो उनको हमने खिलाया, तो यहाँ पे तो एक दो ही खाते हैं. पीछे अर्चना जी ने जाके 40 खाए. एक हाथ में, एक ऑलरेडी मुंह में, इधर तीसरा है दूसरे हाथ में है, और उसको बोल रही प्लेट में रख चौथा. वाह, मल्टी गोलगप्पा टैलेंटेड लेडी. पर असली गोलगप्पा ऐसे ही खाते हैं. एक मुंह में होता है, हाथ में, और इंस्ट्रक्शंस भी है, भैया 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 थोड़ा मीठा और मीठा, और वो सब चल रहा है. और गोलगप्पे वाला सडनली सडनली करता तो आदमी का मुंह में होता है ना, तो खाली प्लेट रखता है तो वो वेट कर रहा था कि इधर आएगा, वो सडनली किसी और की प्लेट में रखते हैं ना, तो आदमी एग्जैक्टली. हाँ, इट्स एन गोलगप्पा इज एन इमोशन. हाँ, और एक एक्स्ट्रा ना मिले तो बड़ा गुस्सा. हाँ, लास्ट वाला सूखी पकड़ी. वो एक एक्स्ट्रा देने में बड़ी प्रॉब्लम होती है सबको. हाँ, वो जो भीड़ होती तब नहीं देते, नहीं तो अदरवाइज मैं दे देता था. आई मीन, आपने अभिषेक भाई ये सब किया है जी? क्योंकि बचपन से ही आप पे तो मीडिया रहता था कि यार अभिषेक बच्चन है या ऐसा. आप नहीं, कपिल पा जी, हम छोटे थे तो मीडिया ये पापराजी कल्चर था नहीं. हाँ, मैं यही बोल ज्यादा था नहीं, लेकिन गोलगप्पे जूहू बीच जाके खाते थे. तो कितने लोग थे वहाँ? हाँ जी, या कभी कलकत्ता चले गए तो विक्टोरिया मेमोरियल के सामने पुचका. वो तो और बड़ा होता है पुचका. जी जी, पुचका. लेकिन मुझे याद है कि जब भी बारिश का मौसम होता था तो डैड खास मुझे वर्ली सीफेस पे ले जाते थे. अच्छा. और वर्ली सीफेस पे जो वो भुट्टा मिलता है, भुट्टा. अच्छा. और हम जो दोनों जाके, और हर साल आज तक. अच्छा. बारिश के मौसम में हम लोग चुपचाप जाके भुट्टा खाते हैं. आप दोनों के हाथ में तो भुट्टा और भी छोटा लगता है. पापा, I'm sorry, पापा. क्या हुआ? पापा क्या कर रहे हैं आप? गेस्ट यहाँ पे, हमारी बातचीत तो हुई नहीं. तो फिर वो हमसे बात क्यों नहीं करते? पापा वो नहीं करेंगे, हमें उनसे बातचीत करनी है. अच्छा. हाँ, 2.5 किलो. क्या बात है बताना जो उनसे करनी है. है.
बाबा इतने बड़े बड़े लोग आए, कीजिए ना कुछ बातचीत, कुछ बनाइए. आप बात है. नमस्कार बच्चन साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. केबीसी तो मैं रोज देखता हूँ और दीवार मैंने कम से कम नहीं तो 50 बार देखी है. बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? वो वाले बच्चन साहब नहीं है, ये अभिषेक बच्चन है. माफ कीजिएगा, मैं चश्मा लगाना भूल गया. अरे वाह, आप बात है अभिषेक बच्चन जी. वाह वाह, अरे वाह, यामी जी भी आए हैं, क्या बात है. निमरत जी भी आए हैं, क्या बात है. मैं आप तीनों का बहुत बड़ा फैन हूँ. मैं भी. और क्या कमाल का ट्रेलर है इनका, जोरदार तालियां हो जाएं. इतना बढ़िया ट्रेलर, अरे आप लोग तो इस ट्रेलर पे फिल्म भी बना सकते हैं. पापा पापा, बन चुकी है फिल्म. तो फिर हमें सिर्फ ट्रेलर क्यों दिखाया इन्होंने? ऐसे ही होता है पापा, पहले ट्रेलर आता है बाद में फिल्म आती है. अच्छा, इसका मतलब मैं ट्रेलर हूं और तू फिल्म है. शर्म नहीं आती बाप के सामने ओ करता है? नहीं बाबा, आप समझिए, एक जेस्चर होता है. मैं खाली कह रहा हूँ कि मैं आपकी बात समझ गया, इसलिए मैंने किया ओ ओ ओ ओ. बाबा बाबा, तीन तीन बार नहीं, एक ही बार करना होता है. नहीं, दो तीन पुरानी बातें मुझे अब समझ में आई हैं, इसलिए ओ कर रहा हूँ मैं. क्या बात है बच्चन साहब. वैसे मैं आपको अंदर की बात बताऊं? जी. ये वाली फिल्म पहले मैं करने वाला था. हाँ, बस एक कॉल की वजह से नहीं कर पाया. कॉल की वजह से कैसे बाबा? किसी का कॉल ही नहीं आया तो कहां से करूंगा. तू बात को समझा के नहीं समझा? समझ गया बाबा. हाँ तो ओ बोलना. ओ क्या तेरा बाप बोलेगा? बोल ओ. अब ओ ही करता रहेगा क्या? बेटा वो लोग आए हैं, उनको फिल्म की बधाई दे. आपकी फिल्म के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं आपको. उनको बधाई देनी है, उनकी फिल्म छीननी नहीं है. बोले जा रहा है, ये बड़े बड़े लोग आए हैं, प्यार से बोल okay, उनको. सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी. आप लोगों को आपकी फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. बाबा अभिषेक जी हमारे बहुत काम आ सकते हैं. आपको शायद पता नहीं लेकिन ये अपनी फिल्म में सीएम बने हैं. सेंटीमीटर चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर साहब, क्या बात है. सर मैं आपसे निवेदन करता हूँ. हमारा एक गांव है. गांव कहाँ बाबा, हम तो शहर में रहते हैं. हमारे घर का नाम ही गांव है. नहीं बाबा, मेरा घर का नाम तो बिट्टू है. क्या, तेरे घर का नाम बिट्टू है? हाँ. मेरे तो कोई घर का नाम है ही नहीं. तभी मैं सोचूं मुझे अपने ही घर में कोई बुलाता क्यों नहीं. मैं तो नाम के बिना रह गया. बाबा बाबा, इस तरह मायूस नहीं होते पापा. अभी आपका नामकरण कर देते हैं. बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम. आओ रखते हैं यहाँ पर मेरे पापा का नाम. म, म से नाम रखना है. म से क्या रखे हैं? मामा. आज से आपका नाम मामा. मामा? अबे ओ, मेरा नाम मामा कैसे हो सकता है? मत भूलिए पापा, आपका मामा से ही नाम है. वरना कोई खास नाम है नहीं आपका. अबे ओ, ज्यादा ची ची मत कर, समझा? जब देखो ची ची चू चू करता रहता है. सीएम साहब, हमारी और भी कई तकलीफें हैं जी. हमारे
गांव में इतने सारे लोग हैं, सबकी नौकरी लगी हुई है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है पापा? अरे सब लोग सुबह नौकरी पे निकल जाते हैं ना, तो बातचीत करने के लिए कोई होता ही नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि कुछ कीजिए आप। पापा हाँ, इतनी सी बात पापा, मैं हूं ना। हाँ तो इसको नौकरी पे लगवा दीजिए, गांव में किसी आदमी को नौकरी छुड़वा दीजिए। मैं इससे बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं नौकरी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे नौकरी करना अच्छा ही नहीं लगता। नहीं। अभी तो मेरी घूमने फिरने की उम्र है। और पापा, आपने मुझसे वादा किया था आप मुझे घुमाने ले जाएंगे, आप घुमाने ले जाइए। क्यों नहीं, मेरा बेटा हमेशा रोता रहता है, आपको पता है, कहता है कि मुझे हिमाचल की खूबसूरती देखनी है, मुझे ले के चलो। बेटा ये देख यामी जी को, ये है हिमाचल की खूबसूरती। यामी जी, जी मैं आपकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, मतलब मेरे पास तारीफ के लिए कोई शब्द ही नहीं है। अरे इतनी सी बात पापा, ये लीजिए मेरे पास शब्द है। ये लीजिए शब्द। वाह वाह, क्या काम किया था आपने। वो फिल्म आई थी उरी जी, वो मैंने पूरी देखी। हाल की फिल्म आपकी, उसमें जब विक्की पाकिस्तान चला गया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबा पाकिस्तान तो मैं भी गया था। हाँ तो तूने वहां जाके किया क्या, उनका नलका उखाड़ लिया? नलका उखाड़ देता है, कहीं भी चला जाता है वहां गड्डी छोड़ देता है। इसको लोहा दो ना तो पिघला कर उसका आकार भी बदल देता है, ऐसी सारी हरकतें करता है ये। थैंक यू बाबा। अबे थैंक यू नहीं, मैं तुझे डांट रहा हूँ। बाबा आप मुझे डांट रहे हैं तो मैं डट क्यों नहीं रहा हूँ? क्योंकि तू एक नंबर का नालायक है। आजकल के बच्चे थोड़ा सा डांट दो तो बुरा मान जाते हैं। अभिषेक साहब मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार मुंबई आया था तो मेरी पहली लाइन क्या थी? आप बस स्टैंड पे सोए थे? नहीं मैं तो घर पे सोया था। अरे पापा आप जब पहली बार मुंबई आए थे तब आप बस स्टैंड पे सोए थे। तो जब मैं बस स्टैंड पे सोया था तो तू मुझे उठा के घर पे क्यों नहीं लेके गया? पापा तब मैं था ही नहीं। जब तू था ही नहीं तो तुझे कैसे पता कि मैं बस स्टैंड पे सोया था? पापा आपने ही मुझे बताया था कि जब मैं पहली बार मुंबई आया था मैं बस स्टैंड पे सोया था। तू कब बस स्टैंड पे सोया था? अरे मैं अपनी बात नहीं आपकी बात कर रहा हूँ। मेरी बात क्यों कर रहा है, मैं अपनी बात खुद करूंगा। बहुत अच्छी, बहुत। जब देखो नाराज हो जाता है, मेरा बेटा बुड्ढी के बाल खाएगा खाएगा। हाँ बाबा ठीक है, आपको पता है निमृत जी, माय सन वेरी टैलेंटेड। थैंक यू बाबा। ये मोटरसाइकिल बहुत अच्छा बनता है। नहीं बाबा मैं तो सिर्फ चलाता हूँ मोटरसाइकिल, मेरे पापा बनते हैं मोटरसाइकिल। नहीं नहीं तू ज्यादा अच्छा करता है। आप बहुत अच्छा करते हैं पापा। अच्छा मतलब आइटम तुझे पेश करनी ही करनी है। करना ही पड़ेगा। ठीक है हम आपको मोटरसाइकिल बनके दिखाते हैं। ठीक है हाँ। हंसना बंद कर पहले। ये दे दो बेटा। Oh my God। ये क्या कर रहे हैं आप पापा? बेटा आइटम अपनी जगह, इज्जत अपनी जगह। आया। ओके माय बाबा इज बिकमिंग मोटरसाइकिल। ओके रेडी। ओके बेटा कहाँ आ गए हम लोग? अब हम पहुंच गए कपिल शर्मा शो में, आ गए हम इसके यहाँ आ गए हम लोग। नमस्कार बच्चन साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ केबीसी में। ये सारी बातें हो चुकी पापा, वो चश्मा वश्मा सब कर दिया मैंने, कर दिया हमने, हो गया। अच्छा अच्छा सब हो गया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी फिल्म के लिए। बहुत बहुत बधाई हो, मुझे तो बहुत खुशी हुई है। चलिए आप यहाँ आए, बस आते रहिए आप लोग। हाँ पापा वो आएंगे। फिल्म आपकी सुपर हिट होने वाली है। वो तो होगी पापा, मेरी दुआ है। पापा हो गया, चलिए आइए। एबी साहब जब आते हैं बहुत अच्छा। हाँ पापा, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। बड़ी यामी जी देखना आप, ये फिल्म सुपर हिट होने वाली है, ये कमाल होगा देखना।
Very sorry. हो गया पापा हो गया। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ अभिषेक साहब। हो गया। अच्छा कई बार ना क्या होता है मेरे को किसी इंसान ने बोला था कहते यार ज्यादा नॉलेज ग्रैब नहीं करनी चाहिए कभी कभी ज्यादा नॉलेज होती है ना आदमी को वो भी दुखी रहता है क्योंकि पता है उसको कि नहीं ये तो ऐसा तो होता नहीं ऐसे कर रहे हैं जो कम नॉलेज वाला होता है उसको कोई लेना देना नहीं कुछ रहता है मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान ज्यादा खुश रहता है कि कम पढ़ा लिखा इंसान ज्यादा खुश रहता है आप अपने अपने जो भी मत है आप यहाँ पे रख सकते हैं जी कौन जी नमस्कार मैम Hi Kapil. Hello everyone. Hello. मैं सारिका मुंबई बोरीवली से आई हूँ सर मैं एक उड़ान ग्रुप रन करती हूँ उड़ान द हैप्पी विमेंस क्लब विमेंस तो हैप्पी होती है आदमियों के लिए बना होगा बिल्कुल सर तो हम सर उसी को वही काम करते हैं कि अगर लेडी खुश है अगर वाइफ खुश है तो घर वाले ऑटोमेटिकली खुश हो ही जाने तो जैसे कि आपने अभी पूछा कि अगर पढ़े लिखे हैं तो सर मैं ऐसा सोचती हूँ कि वो ज्यादा परेशानी में रहते हैं मेरा खुद का ही एक वाकया मैं बताती हूँ तो सर बात आ गई थी सर मसाला डोसा की अच्छा बैठे हुए सर सारे पढ़े लिखे थे सब अपनी अपनी परेशानी में थे मसाला डोसा आ गया सर मेरे को कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि मुझे तो वो हाथ से ही खाना था और परेशानी सर वो सोफिस्टिकेटेड होते हैं पढ़े लिखे बहुत ज्यादा फॉर्क और स्पून से सर उनकी वो कश्मकश तो नॉर्मली हाथ से खाते हाँ सर लेकिन पढ़े लिखे का सर उनका स्टेटस मेंटेन करना है ना उनको कि मैं पढ़ा लिखा हूँ फोर्क से तो मसाला पकड़ नहीं जाता जो डोसे के अंदर होता है पर आई थिंक वो स्वभाव की बात है जैसे मैं साउथ इंडियन लोगों को देखता हूँ वो चावल जो होते हैं राइस हाथ से खाते हैं और बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं जैसे आप बोल रही हैं इस हिसाब से तो स्कूल बंद करवा देंगे तो वो पढ़े लिखो वाली बात और सर बिना पढ़े से वो थोड़ा सा समझती है चलिए सारिका जी धन्यवाद सर मैं एक थोड़ा सा सर मेरे उड़ान ग्रुप की लेडीज आई हैं जो अभिषेक की बहुत हार्डकोर फैन है सर ये सब यहाँ कौन कौन आए हैं वाह खुद का ग्रुप बना लिया उड़ान पत्तियों के पर काट देती है आइए बहुत बहुत अभिषेक से सर मेरी फ्रेंड एक बोलना चाहती है जी जी बोलिए प्लीज हेलो आई एम शुभांगी फ्रॉम बोरिवली अभिषेक आई लव यू सो 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 मच और आपको यहाँ पे देख के आई कांट से एनीथिंग यू आर सो सो चार्मिंग वाओ ऐश्वर्या मैम ऐश्वर्या जी आएंगे तो आप वैसे भी वहां चले जाओगे इसीलिए मैं अभिषेक जी को थैंक यू दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू थैंक यू सो मच शुक्रिया शुक्रिया जी शुभांगी जी धन्यवाद और कोई हमारे दोस्त जो अपने विचार जी मैडम हेलो एवरीवन आई एम मानसी भुवानिया फ्रॉम मुंबई कांदिवली Yami and Nimrat, you are looking very pretty. Thank you, ma'am. Archana ji, as usual, you are looking glamorous. Thank you so much. Kapil, I am big, big fan of yours. Thank you. रात को ऐसा टाइम नहीं जाता कि मैं आपका शो देख के बिना मैं सोती हूँ अभिषेक बच्चन आई डोंट हैव टू से बट आई एम जस्ट द बिगेस्ट फैन ऑफ योर्स थैंक यू एंड अगर मुझे पूछा जाए कि कम पढ़े लिखे वालों को ज़्यादा तकलीफ होती है क्योंकि सोचूं मैं कि अगर मेरी शादी अभिषेक बच्चन से हो जाए तो सॉरी ऐश्वर्या बट अगर होती तो उनको बहुत तकलीफ होती मुझे सब जगह ले जाने के लिए क्यों? अरे ये तो ढंग से यहाँ भी नहीं कर रही है अरे ये ढंग से वहाँ भी कुछ नहीं कर रही है और अगर भूल से रेस्टोरेंट चले गए और लास्ट में फिंगर बॉल आ गया और अगर उसको मैंने नींबू पानी सोच के पी लिया तो तब तो घर जाके डिवोर्स पेपर पर साइन करना पक्का है ये आपने उनको इतना जज कैसे कर लिया कि ये ऐसे करते हैं मुझे ये समझ नहीं आया नहीं ये जज नहीं क्या मैं उनकी तकलीफ समझ सकती हूँ कि नहीं नहीं मैम मैं बस यही समझाना चाहता हूँ आपको कि अगर कोई भी आपसे सच्चा प्यार करे ये सब चीज जो है ना नजरअंदाज कर दे लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कम पढ़े लिखे वालों को ज्यादा तकलीफ होती है नहीं अब मेरी बीवी MBA है मेरे को बड़ा प्यार करती है जस्ट अभिषेक जी कैन आई कम इन द स्टेज एंड गिव यू अ टाइट हग ऑफ कोर्स आई विल कम देयर थैंक यू दैट्स वेरी स्वीट Thank you so much. जी और कोई हमारे दोस्त ये भाई साहब को माइक दे दीजिए हाय जैकी चैन
अभी बोलो कपिल बाजी, इससे पहले कि बोले मैं बस कुछ जी जी प्लीज प्लीज, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आके। अच्छा, क्योंकि पिछली दो बार जब आया था ना, ये मुझे इग्नोर करके हमारे साथ जो मेहमान आए हैं उन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, मुझे बड़ा लेफ्ट आउट फील होता है। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है गर्ल्स। हाँ जी, जैकी चैन जी बोलिए आप। सो सर, मेरा नाम वंशराज कौल है। आई एम इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कि आपने जैसे सवाल किया कि क्या किन लोगों को तकलीफ ज्यादा है, पढ़े लिखे लोगों को या फिर बिना पढ़े लिखे लोगों को। तो अब जो पढ़े लिखे होते हैं, मैंने देखा है वो अक्सर ज्यादा प्रेशर में आते हैं समाज के की बातों से कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। तो मैंने देखा प्रेशर से टेंशन आता है, टेंशन से बाल झड़ते हैं, और फिर लेकिन एक दोस्त है वो ज्यादा पढ़ा लिखता था नहीं, तो वो आराम से घर पर बैठा रहता है, ऐश करता है, मजे में रहता है। तो मैं देखता हूँ दोनों ही पहलू में मजे ही मजे। अब मैं चाहूंगा आप मेरा एक बार कंफ्यूजन मिटाएं। पहले तो हमें पता लगना चाहिए आप मजा ढूंढ किस में रहे हैं। तो कहने का मतलब कि आपकी सेटिस्फेक्शन किस में है? मेरी तो एक्टिंग में है। एक्टिंग में है जी। अच्छी बात है, देखो आप जो सोचते हो ना हो जाता है, मेरा ऐसा मानना है, पर कोई बड़ी बात नहीं है। अभी यहाँ से निकलो, आपको कोई फिल्म भी ऑफर हो जाए ऐसा हो सकता है। एक दिन वहां पहुंचना है और कुछ नहीं, ज्यादा तमन्ना नहीं है मेरी हमारे शो पे। बिल्कुल, वो तो अर्चना जी को 2000 रुपए दो ले आएंगी आप। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ ब्रदर, जो भी सोचते हो सच्चे दिल से लगे रहो, हो जाते हैं। मजाक कर रहे हैं, 3000 रुपए लेती है। धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? हाय कपिल। हेलो जी, नमस्कार कपिल, हम आपके और आपके शो के बहुत बड़े फैन हैं। थैंक यू मैम। मेरा पूरा ग्रुप आया है, सब है। सूरत गुजरात से हमारा, ये जो आप रेड एंड ब्लू में देख रहे हो सारे लेडीज, 40 प्लस लेडीज हैं, सब फिटनेस का ग्रुप है। 40 मतलब क्वांटिटी में कि आप एज बता रही हैं? नहीं, एज में, एज में। तो ये लाल टी-शर्ट क्यों सस्ती मिल रही थी कहीं से? हाँ जी। नहीं सर, वो प्यार का रंग गुलाबी होता है, लेकिन हमने थोड़ा सा डार्क कर दिया और खतरे का रंग कर दिया आपने। जी जी मैम। तो कपिल, जैसे मैंने बताया कि हम आपके और आपके शोज के बहुत बड़े फैन हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, फिटनेस ग्रुप है, लेकिन हम फन के साथ एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा जी। और हम उसको कहते हैं फनसरसाइज। अच्छा जी जी। और अभिषेक, यामी, निमृत, आपकी फिल्म के लिए और स्पेशली अभिषेक आपके लिए, बिकॉज वी आर ह्यूज फैन ऑफ योर्स, हमने देखा, मैं पहले ही जानता था लेडी लेडी की फैन हो ही नहीं सकती। जी मैम। सर, दसवीं के ही एक गाने पे हमने एक छोटा सा कुछ प्रिपेयर किया है, परफॉर्म करना चाहते हैं, इफ यू अलाउ अस सर, प्लीज 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 प्लीज। हाँ प्लीज 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 सर, विल बी माय ऑनर। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया मास्टर जी, बहुत बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और आपको पता आपका ये एक्ट देख के कितने लोग इंस्पायर होंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, फैंटास्टिक, रियली this opportunity, all the very best, pleasure thank you okay ji, thank you ma'am, shukriya। ek bar zordar taaliyan ho jaye Mr. Abhishek Bachchan, Yami Gautam aur Nimrat ke liye, aaiye bhai, very nice, ek bar zordar taaliyan hamare mehmanon ke liye, निमरत, अभिषेक भाई, यामी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड आई होप आप लोगों ने बड़ा मजा किया होगा। बिल्कुल, बहुत मजा, हम तो हमेशा ही मजा करते हैं जब आप लोग आते हैं। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एंड लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और दोस्तों, पूरे देश में गर्मी बहुत ज्यादा तेज पड़ रही है, इसलिए आप सबसे अनुरोध है अपने घर के बाहर खिड़की पे, दरवाजे पे, सड़क के किनारे, जहाँ कहीं भी आपको लगे कि पक्षी आते हैं, जानवर आते हैं, उनके लिए, उन बेजुबानों के लिए कुछ खाने पीने के लिए पानी रखें, या यू नो कुछ दाना वगैरह रखें। और हाँ, हो सके तो घरों में जो पानी की वेस्टेज हो रही है उसको जरूर रोकें, क्योंकि जल है तो कल है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, लव यू ऑल, थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।